ठाकरे की सभा से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने कल प्रवक्ताओं की शिवसेना प्रवक्ताओं के साथ बैठक ली थी और इस बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आदेश दिए हैं कि मन से बीजेपी पर टूट पड़ो, बाबरी मस्जिद गिरी तब राज ठाकरे कहां थे, ऐसा सवाल किए हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। शिवसेना के बैठक में उद्धव ठाकरे आक्रामक नजर आए, उन्होंने सवाल किया बाबरी मस्जिद गिरी तब राज ठाकरे कहां थे, बीजेपी मनसे पर टूट पड़ो। शिवसेना ने सीएम उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है मनसे बीजेपी का हिंदुत्व बोगस है, ये जनता को दिखाओ। शिवसेना प्रवक्ताओं के साथ बैठक में उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राज ठाकरे की सभा से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आक्रामक हो चुके हैं। उन्होंने साफ कह दिया है मन से बीजेपी पर टूट पड़ो, बाबरी मस्जिद गिरी तब राज ठाकरे कहां थे। शिवसेना की बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आक्रामक तेवर नजर आए, उन्होंने सवाल पूछा है कि बाबरी मस्जिद गिरी तब राज ठाकरे कहां थे, बीजेपी एमएनएस पर टूट पड़ो। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आदेश दिया है एमएनएस बीजेपी का हिंदुत्व बोगस है। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि मनसे और बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो बोगस है और ये जनता के सामने लाओ। तो कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आदेश दिया है कि बीजेपी और मनसे पे टूट पड़ो क्योंकि इनका हिंदुत्व बोगस है और इस बात को जनता के सामने लाओ। शिवसेना प्रवक्ताओं के साथ कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक ली थी। इस बैठक में शिवसेना के प्रवक्ता सचिन अहिर, प्रियंका चतुर्वेदी, संजय राउत, अरविंद सावंत जैसे बड़े बड़े नेता मौजूद थे। वहीं आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के सभी जिला प्रमुखों के साथ बैठक बुलाई है। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी आक्रामक नजर आ रहे हैं, राज ठाकरे और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने के पक्ष में है और इसके लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश भी दे दिया है कि टूट पड़ो बीजेपी मनसे पे, जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तब राज ठाकरे कहां थे, बीजेपी और मनसे का हिंदुत्व बोगस है, ये जनता के सामने लाओ। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया है। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अब आक्रामक हो चुके हैं, शिवसेना भी आक्रामक हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी जनसभा को संबोधित करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे एमएनएस और बीजेपी को। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्या बोलेंगे इस पर भी सबकी नजर बनी हुई है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को साफ आदेश दे दिया है कि मनसे और बीजेपी पे टूट पड़ो, इनका हिंदुत्व बोगस है, ये जनता के सामने लाओ। राज ठाकरे ने 3 मई तक का अल्टीमेटम दे रखा है मस्जिदों से भोंगा उतारने को लेकर, लेकिन सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि मस्जिदों से भोंगा नहीं उतारा जा सकता, सुबह 6 से रात 10 बजे तक भोंगा बजाने की अनुमति होगी। हालांकि आवाज कम करा दी गई है, राज्य में कई मस्जिदों ने अपने आप ही भोंगों की आवाज कम कर दी है, लेकिन जो राजनीति हिंदुत्व की लड़ाई चल रही है एमएनएस और शिवसेना के बीच, सब कह रहे हैं कि शिवसेना का विकल्प बनने की कोशिश कर रही है मनसे, और हिंदुत्व की जो जगह है वो महाराष्ट्र में अब मनसे भरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सब कह रहे हैं शिवसेना अब सेक्युलर हो गई है, शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया है, लेकिन शिवसेना कहती है हमारा हिंदुत्व सच्चा है और हम हमारे हिंदुत्व पर अड़े हुए हैं, मनसे का और बीजेपी का हिंदुत्व बोगस है। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि बोगस हिंदुत्व को उजागर करो, जनता के सामने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है और अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि खासकर बीजेपी और मनसे पर टूट पड़ो, इनका बोगस हिंदुत्व को जनता के सामने लाओ। और उन्होंने राज ठाकरे से सवाल पूछा है कि बाबरी मस्जिद गिरी थी तब आप कहां थे। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अब आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आक्रामक होने का आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दे दिया है, साफ कह दिया है बीजेपी मनसे पे टूट पड़ो, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।